नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर बताए जा रहे पन्ना लाल ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मानव तस्कर के आरोपी पन्ना लाल द्वारा किए गए खुलासे पर यदि यकीन किया जाए तो उसकी ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई प्रदेशों के नेता और विधायक शामिल होते थे। पूछताछ में पन्ना लाल ने बताया कि वह जिन परिवारों को घरेलू कामकाज के लिए लड़कियां मुहैया कराता था, सालाना कमीशन वसूलता था। मानव तस्कर के आरोपी पन्ना लाल के खुलासे से कई नेता और विधायक भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। बता दें कि पन्ना लाल के पास अकूत संपत्ति का भी पता चला गया। इसे देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार पन्ना लाल ने झारखंड और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से 5,000 से ज्यादा लड़कियों को दिल्ली में घरेलू कामकाज पर लगाने की बात स्वीकार की है। झारखंड और उड़ीसा से युवतियों को बेहतर जिंदगी और ज्यादा पैसा दिलाने का लालच देकर दिल्ली ले जाता था। वहां उन लड़कियों को मुश्किलों के दलदल में धकेल देता था। पन्ना लाल का मानव तस्करी का काला धंधा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैल गया था। पन्ना लाल ने प्लेसमेंट एजेंसी खोल रखी थी। इसके जरिए वह युवतियों को आकर्षक रोजगार और अच्छी जिंदगी का लालच देकर उन्हें झांसे में लेता था। उनसे कमीशन के तौर पर पैसे भी लेता था। पन्ना लाल का दुस्साहस इतना था कि वह प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में बकायदा रोजगार मेला तक आयोजित करता था। इसके जरिए युवाओं को रंगीन सपने दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। बाद में मानव तस्करी की शिकार युवतियों को नरकीय जीवन जीने के लिए छोड़ देता था। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अपना रुतबा बनाने के लिए पन्ना लाल व्यापक पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन करता था। इन कार्यक्रमों में वह नेताओं और विधायकों को भी आमंत्रित करता था। बताया जाता है कि उसके बुलावे पर कई मंत्री तक पन्ना लाल के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अन्य प्रदेशों के साथ ही झारखंड के नेता मंत्री भी मानव तस्करी के आरोपी के कार्यक्रम में शरीक हुआ करते थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।